told to students of sins. Told. इस वक्त मैं अपने अपने गांव में अबड़ो ब्रदर की जो हमारे सरबराह है सरबराह वहीद अबड़ो साहब हमारे सीनियर वहीद अबड़ो आप ना बोलो अभी आई वांट कुछ कुछ एंड आई नीड माय सिंध एज इंडिपेंडेंट कंट्री बट इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द स्टूडेंट्स स्ट्रगल Yes, you are right. Nowadays, I appreciate the it. Students of our rural Sindh. Rural Sindh or urban Sindh also. Rural. No. So, please. Yes. Rural Sindh not taking interest in science and technology. Let me ask some question. They want only learning English. I have. But I am sure. Bro. Dude, listen to me. I have a question. Why are you also speaking English instead of Sindhi? Why are you speaking English instead of Sindhi? Because I know the answer of English is not understand the boys, and I am speaking in Sindhi leja. You are right. So, I want to become every student of rural Sindh. Become a soldier and freedom fighter to independent Sindhu Desh against the samrajya kuvvat gal udo wo pida karna chahe ha kayo kayo down the sulai mute ne rego mu mana shuru kare ha shuru kare galan ha ne khaje bare me vagre se mazak aadae badwan ji check kare je sago da असाये कोट में जगह कैंप लगी है उन्हें दवा ओरिजिनल चाहिए बस इन नंबर ने बटे बटे दिया गबे बिगड़ी आई बेगन आई रिवेन एम्बुलेंस आई उन जगह असाये दवा उन्हें दवा जो करप्शन की वजह से गला वे पे दवा करप्शन की वजह से काम नहीं अपने गांव अपलो बरादरी का जो एक बड़ा सरबरा मोहतबर आदमी हमारा वहीद अबड़ो साथ हमारे साथ है अच्छा लेक्चर देता है समझ गए जो लेक्चर जो है हमारे नौजवान है उसके हवाले से जी वहीद अबड़ो जी क्या कहूँ बताओ आप जो जो बोले जो आपको जो अच्छा लेक्चर हो दियो माइक दियो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि आजकल आप देख रहे हो कि सिंध के हालात खास करके सारे पाकिस्तान के हालात कितनी महंगाई बढ़ गई है ये वजह इसलिए क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं नई नस्ल है वो सिंध के लोग जो है बच्चे वो कोई इनकलाबी या पढ़ने के बजाय मुमताज मौलाई के गाने सुन रहे हैं उसकी शायरी एक दम से घटिया शायरी होती है यार मैं अपने बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप पढ़ो स्कूल जाओ ना जाओ पर आपके जहन में ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और हो सके जितना ट्यूशनों से बचो क्योंकि आप देखो कि वो दरख्त जो किसी और सहारे के जरिए चढ़ता है वो कभी भी सहारे से चढ़ता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पाता सो कोशिश कीजिए कि जैसे ही बीज दाने से निकलता है उसी वक्त से अपने आप को मजबूत बनाएं घर में पढ़ें सोचें जो आपको समझना है सोचें किसी और से मत पढ़ें किसी और से पढ़ने के लिए आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप सोचेंगे चार साइन किधर गया सर किधर गया इसलिए अपने जहन के और अपने दिल के दरमियान पढ़ो थैंक यू सो मच मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको नतीजा मिलेगा नतीजा मिलेगा आपको इसलिए आप उठो एक खुशहाल सिंध की तरफ छोड़ो ट्यूशनों को छोड़ो दूसरी जगहों को खुद पढ़ो अपने आप को पढ़ाओ जी वहीद अबड़ो डीजल महंगा है पेट्रोल महंगा है इसके बारे में थोड़ा सा दो अल्फाज होना चाहिए जी पाकिस्तान में एक तो डीजल निकलता नहीं है पेट्रोल निकलता नहीं है तकरीबन 60 अरब डॉलर का सालाना पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं अच्छा देखिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता रेलवे होता तो हमारे कितना पेट्रोल बच जाता सही बात है सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं एक इंजन वाली गाड़ी 100 बोगियों को लेकर कराची पहुंचती है ये तो हमें ये तो बस जितना तेल होता है अगर वही सामान अगर हम ट्रकों से लेके जाएं एक एक ट्रक के लिए एक एक डीजल इंजन चाहिए यानी 100 ट्रक अगर हम कराची भेजें तो 1000 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है
अगर हम ट्रेन से भीजे तो सिर्फ 200-300 लीटर में उसको भी हम डिजिटल करके इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। जो दो आप देखें कराची में, आप गाड़ियां देखें जितनी सड़कों पे है उतनी गलियों में खड़ी हुई उतनी आपको फैक्ट्रियों में नजर आएंगी। अरे क्या है यार, एक 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 घर में कितनी बाइक है, कितनी होनी चाहिए? एक एक में दो दो तीन तीन बाइक है, बाइकें होनी चाहिए ना भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाओ, मेट्रो चलाओ यार। बाइक से जाते हैं बचाना पड़ेगा, गाड़ियों को कम करना पड़ेगा। थैंक सो मच। जैसे ही मुल्क में गाड़ियाँ कम होंगी वैसे ही पेट्रोल बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा और हमारा पैसा हमारे पास बचेगा। और मैं दूसरी भी कहूँ, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल इस्तेमाल करने से आप चाइना का मोबाइल इस्तेमाल, आप वीडियो कैसे बनाएंगे फिर? आपको वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो के लिए कैमरा है, टेलीविजन है, जिसके हाथ में देखो टेलीविजन कैसे बनेगा? जो निकलता है इतनी इतनी बड़े घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, फिर भी मोबाइल लेके बच्चे कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, कॉलेज नहीं जाऊँगा, मुझे मोबाइल लेके दो। अब किताबें लेके जा, मोबाइल लेके क्या करेगा? बताओ पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर रहा है या इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है इसके बारे में? पाकिस्तान और इंडिया में अगर कंपटीशन करना है तो ये तो हमें ड्रामों और फिल्मों से ही पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा है। दूसरी बातें तो आप आगे करो। अभी देखो इंडिया में एक सैटेलाइट भी आ गया, तो पाकिस्तान अभी भी थाईलैंड के सैटेलाइटों से अपने चैनल चला रहा है। ये गुड। पाकिस्तान में ना तो ट्रेन है जो जदीद है, पर दिल्ली में आप देखें और देखे किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन लाइन है इसमें, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली में और कहाँ से कहाँ तक? मतलब दिल्ली से राजस्थान बिछा हुआ है ना वहाँ पे? नहीं नहीं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली पूरे मेट्रो स्टेशन बना, मेट्रो स्टेशन। गुड। और देखो आज पाकिस्तान के 3.5 रुपए है, इंडिया का 1 रुपया है, यानी इंडिया का 1 लाख रुपया अगर हम यहाँ लाएंगे तो 3.5 लाख रुपया। हमसे इंडिया से आगे निकल गए, हमसे बांग्लादेश भी आगे चला गया, पता है आपको? बहुत आगे हो गया। अब चाइना के बाद गारमेंट में सबसे बाद में बेहतरीन वहाँ पे अभी ट्रेन का सिस्टम हो गया है बांग्लादेश में। एग्रीकल्चर भी, और हमारे मुल्क की तो एग्रीकल्चर भी तबाह है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। दाल भी, दाल जो है हम बाहर से मंगा रहे हैं, दाल दाल की टांग किस चीज में मिला गई है वो बताएं। देख रहे लोग, देख रहे हैं सिर्फ ये एक लड़के के लिए कितने लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसके लिए पाकिस्तान, वो है मोहनजोदड़ो, और वो भी सिंध की वजह से। मोहनजोदड़ो भी क्या है, आप देखो होटलों में घास उगा हुआ है, कोई